पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध बने मकानों और अवैध प्लॉटिंग पर धड़ल्ले से गरजा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह के निर्देश पर एकता कॉलोनी ढक्का कुंदनपुर क्षेत्र में बुलडोजर द्वारा अवैध प्लॉटिंग और अवैध बने मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध रूप से निर्मित किए गए निर्माण पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। एमडी उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने पूरी तरह से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर प्राधिकरण के प्रवर्तन टीम लगातार अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और प्राधिकरण की टीम प्रवर्तन दल के साथ आज कुंदनपुर ढक्का में पहुंची और वहां पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग और अवैध बने हुए मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि कोई भी निर्माण कार्य मानचित्र की स्वीकृति के बिना ना कराएं। मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में किसी भी तकनीकी समस्या के निस्तारण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार को मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन जूम बैठक के माध्यम से किया जाता है और साथ ही समाधान दिवस में मानचित्रों का भी निस्तारण किया जा रहा है। इस दौरान टीम में एई सागर गुप्ता, जेई आरपी यादव, जेई गिरीश कुमार पांडे और प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रही। देखिए, अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण की जो शिकायतें आई हुई थी उनको हम लोगों ने ज्वाइंट टीम बना करके, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नगर निगम की टीम हो, साथ में राजस्व के अधिकारियों के साथ में ज्वाइंट टीम बना करके अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि ट्रैफिक का दबाव भी जो है शहर की सड़कों पर बढ़ रहा है, तो इसलिए आवश्यक है कि उस दबाव को कम किया जाए और शहर को डीकंजेस्ट किया जाए। तो जगह जगह पर जो अतिक्रमण हो गए हैं उनके विरुद्ध जो है जो हमारी प्रशासनिक टीम है उनको हम लोगों की तरह लगातार उसमें सहयोग दिया जा रहा है। अपील क्या रहेगी जनमानस से? जनमानस से हमारी यही अपील है कि सुव्यवस्थित ढंग से जो कॉलोनियों का विकास हो रहा है उसके अंतर्गत आपको पर्याप्त कमर्शियल स्पेस और पर्याप्त जो है आपको रेजिडेंशियल स्पेस मिलता है, आप उसका उपयोग करके वहाँ पर अपनी आजीविका चलाएँ। प्राधिकरण भी और साथ साथ हमारा इवन नगर निगम भी, उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का पूरा प्लान है, तो उसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।